మరోవైపు యూపీలోని ఘజియాబాద్ లో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు ప్రలైవ్ చూద్దాం एक मायावती के बड़े प्रिय अफसर थे यहां, बड़े प्रिय अफसर थे। किस कारण प्रिय थे हमें मालूम नहीं। और मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी चुनाव में उसके खिलाफ भाषण देते थे, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनी तो उनको उनसे प्रेम हो गया और यही बिठा दिया। ये सीबीआई है, मोदी है, आज वो जेल में सड़ रहे हैं, आज वो जेल में सड़ रहे हैं। ऐसे जितने चोर लुटेरे हैं वो जेलों में जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? आप मुझे बताइए, जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भाइयों बहनों, अगर ये करना है तो मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए सारे उत्तर प्रदेश को मैं कहता हूं, विकास के वनवास से मुक्ति पानी है और विकास की यात्रा पे आगे बढ़ना है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सपा हो या बसपा, और कांग्रेस ने तो पूरे देश को डुबाया भाइयों, पूरे देश को डुबाया, और वो भी डूब गए। ये अखिलेश जी इतने डरे हुए, इतने डरे हुए हैं कि जो मले उसको गले लगा लेते हैं। वरना कोई डूबती नाव में पैर रखता है क्या? डूबती नाव में कोई पैर रखता है क्या? उनको वो भी पसंद आ गई, कहीं बच जाए। लेकिन मेहरबान, आपने 5 साल ऐसा कारोबार किया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता आपको बचने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें आपका हिसाब लेके रहेगी। उत्तर प्रदेश का नौजवान अपना भविष्य खुद तय करेगा, आपके भरोसे रहने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने आया हूं, इन्होंने कैसा कारोबार चलाया है। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये गाजियाबाद के अगल बगल के गांवों में मेरे किसान भाई बहन रहते हैं। किसान भाइयों बहनों ने उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बेईमान लोग उनकी जमीन छीन लेते हैं, किसानों की जमीन के लुटेरे राजनीतिक दल के नेता बनकर के बैठे हुए हैं। ये किसानों की जमीनों के ठेकेदारों को, लूटने वालों को जेलों में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जिन जिन किसानों की, गरीब आदमी की जमीन हड़प कर गए हैं, वो जमीन वापस लौटानी चाहिए कि नहीं लौटानी चाहिए? हमने तय किया है, ये जमीन माफियाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उनके खिलाफ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा, स्पेशल पुलिस का यूनिट बनाया जाएगा। और ये जमीन लूटने वालों से जमीन लेकर के जिन गरीबों की, मध्यम वर्ग के लोगों की जमीन लूट ली गई है, वो उनको वापस दिला दी जाएगी। भाइयों बहनों, ये हमारा गाजियाबाद दिल्ली के पास में है, दूर नहीं है। आप मुझे कहिए, एक बड़े शहर जैसा इसका विकास संभव था कि नहीं था? था कि नहीं था? दिल्ली में जिनको घर चाहिए वो बेचारा गाजियाबाद नोएडा की तरफ आता है, और बिल्डरों ने क्या करके रखा है, पैसा ले लो, 2 साल 4 साल मकान बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है।